बचाने के लिए अगर लड़ाई करनी पड़ी, जंग करना पड़ा तो हम तैयार है। मैं मेरी जिंदगी के झोपड़पट्टी में जाए झगड़ने वाले के लिए, बस झोपड़पट्टियों की जान खतरे में डाल के अपन ने नहीं झगड़ना चाहिए। कानूनी लड़ाई है, कानून से लड़ना होगा। लेकिन कल अगर समझ लो वहां पर अगर बुलडोजर अगर आया, आप लोग घरों के अंदर रहना, वहां पर बुलडोजर के सामने खड़े रहने का काम ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब जितनी भी पार्टी है, जो भी नगर समिति, ये जितने भी नेतागण यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये सभी नेतागण बुलडोजर के ऊपर भी चढ़ेगा और बुलडोजर को हम लोग रोकने का काम करें। जो भी नगर बचाव समिति मार्फत आज नागपुर से जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं, आणि निवेदनमध्ये आपण प्रामुख्याने हेच नमूद केलेलं आहे की इकडची जनता विकासाच्या विरोधात नाही, विकास झालाच पाहिजे, परंतु जो विकास गरिबांच्या घरांवर बुलडोजर चालून होत असेल तर असा विकास जनतेला नको आहे। जोपर्यंत डोबी नगर वस्तीच्या लोकांचे सन्मानजनक पुनर्वसन महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र शासनाकडनं होत नाही किंवा मध्य रेलकडनं होत नाही, जोपर्यंत यांचं रिहॅबिलिटेशन होत नाही, पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत इकडच्या झोपडीला धक्का लागता कामा नाही। रेल विभाग मध्य रेल वारंवार धमकी देतो, मध्य रेलनी जी नोटीस इश्यू केली आहे त्यामुळे जनतेमध्ये भयचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। या भयमुळे कोणाला हार्टअटॅकसुद्धा येऊ शकतो असं भयचं वातावरण डोबी नगरमध्ये पसरवण्यात आलेलं आहे आणि पसरलं आहे, ज्याच्यामुळे जीवहानीसुद्धा होऊ शकते। आणि अनेक दशकांपासून ही जनता इथे प्रस्थापित आहे, शासन आणि प्रशासनाने सगळ्या मूलभूत सुविधा इकडच्या जनतेला दिलेल्या आहेत, रस्ता, पाणी, वीज, घर टॅक्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सगळ्यांना मिळालेलं आहे। जेव्हा मी अतिक्रमणाचं समर्थन करत नाही, मी अतिक्रमणाच्या विरोधातच आहे आणि अतिक्रमणाचा हा विषय हा देशव्यापी विषय आहे, परंतु जेव्हा अतिक्रमणाची पहिली वीट ठेवल्या जाते तेव्हाच जर का जनतेला तुम्ही रोखलं असतं तर गरिबांनी आपल्या घामाचा आणि रक्ताचा पैसा, लाखो रुपयाचा पैसा त्या घराला लावला नसता। तर याला संपूर्णपणे जबाबदार शासन आणि प्रशासन आहे, अतिक्रमणाला जबाबदार हे शासन आणि प्रशासनच असतं। तर शासन आणि प्रशासनाने सतसत विवेकबुद्धीचा वापर करून, संविधानाचा वापर करून आणि माणुसकीचा वापर करून या जनतेला न्याय दिला पाहिजे। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहेब हे नागपूरचे पालकमंत्री आहेत, केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेब हे नागपूरचे खासदार आहेत आणि गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाची सरकार आहे। तर आम्ही फार आशा ठेवून इथे आलेलो आहोत, आशा ठेवून आहोत की निश्चितच आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडनं आणि केंद्र शासनाकडनं न्याय मिळेल। या सगळ्या विषयाकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री जे नागपूरचे पालकमंत्री आहेत माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जातीने लक्ष घातलं पाहिजे। देखो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेरे युवा साथी हो, युवा कांग्रेस के भी जो साथी हो, कांग्रेस के साथियों का संघर्ष जो है सिर्फ ये डोबी बचाओ आंदोलन के माध्यम से संघर्ष है। फजलुर जी इधर आइए, तो ये जो आपने भी इसके पहले देखा हुआ है कि हमारे जितने भी युवा कांग्रेस के साथी है, खास करके नागपुर शहर युवा कांग्रेस के साथी, यहाँ पर संघ का मुख्यालय रहने के बाद में आपने देखा हुआ है। ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये मेरे हमारे जो साथी है, ये हमारे साथी कभी पीछे हटे नहीं। और जो है इसके पहले छोटे छोटे आंदोलनों को लेकर अगर समझ लो हमारे साथी अगर जेल में अगर जाने के लिए अगर तैयार है, खुद का खून बहाने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो ये तो हमारे डोबी नगर के 25,000 वासी है। ये 25,000 हमारे आवाम जो है, 25,000 हमारे सम्मानीय नागरिक है, 25,000 जो आशियाने हैं, ये आशियानों को उजड़ने के लिए जो है युवा कांग्रेस किसी भी तरह से ये लोग शांत, हम लोग शांत बैठेंगे नहीं। डोबी नगर संघर्ष समिति के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पर जो मंच जो है, ये मंच के माध्यम से यहाँ पर अभी विकास भाव ठाकरे, ज्वालाताई थोटे और सभी सभी के सभी अलग अलग पार्टी के सभी पार्टी के सर्वपक्षीय पार्टी के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आज अगर समझ लो डोबी नगर के वासियों को जिनके पास में 1995 के पहले से अगर वहाँ पर मतदान कार्ड, वोटिंग कार्ड उनके पास में है, तो उनके घरों के ईंट को भी हाथ जो है ये युवा कांग्रेस के साथी और सर्वपक्षीय ये लगने नहीं देंगे। हम लोग इनको बताना चाहते हैं सरकार को कि पिछले 70 सालों से अगर समझ लो वो लोग वहाँ पर आवाम अगर रह रहा है 1962 से लेकर तो अभी तक
अगर वो आवाम अगर वहां पर रहता होगा, उनकी आशियाना वहां पर अगर है, तो इतने सालों से आप लोग सोए हुए थे क्या? जिस आधार पर जो है मुंबई में आशारे के माध्यम से जो है वहां पर गरीबों के झोपड़े नस्तनाबूद करके झोड़े गरीबों को वहां पर 300-500 फुट के स्क्वायर फीट के मकान आप जो बना के देते हो, तो हमारे डोबी नगर वासियों को आप लोग मकान नहीं बना सकते क्या? अगर आप ये चीज अगर बताओगे हमको कि रेलवे जो है, रेलवे ने वहां पर आरक्षण है, रेलवे ने जो है उसके उनके पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन आज हमको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी के रिमोट कंट्रोल के ऊपर में काम करता है, हमको भी पता है। हमारा ये कहना है वहां पर उनके आशियानों को हाथ लगाने के पहले आप लोग जो है एसआरए के माध्यम से वो लोग कहीं ना कहीं पर पर्याय व्यवस्था करो, लेकिन पर्याय व्यवस्था जो है अगर डोबी नगर का कोई अगर हमारा साथी होगा, उसका रहना, उसका खाना, उसका काम धंधा जो है एक तो महल में होगा, गांधीबाग में होगा, कांसार नगर में होगा, डोबी में होगा, मोहिंदपुरा में होगा, कसापुरे में होगा, बगल के अगर गए तो गोलीबार चौक में होगा, टोपरे के कुएं के पास में होगा, बागल अखाड़ा होगा, इतवारी में होगा, वो अगर घूमगांव के अंदर में अगर आचार्य के माध्यम से आप वहां पर अगर पर्याय की व्यवस्था करते हो तो वो भी चीजें हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग रहेंगे अगर वहां पर तो बेचारे खाएंगे क्या। मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि मीडिया के भी माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत दरखास्त करना चाहता हूँ, ये लोगों के साथ में जितने भी लोग यहाँ पर जो खड़े हैं उनके साथ में आप लोग भी हमारे साथ में खड़ा रहिए, कहीं ना कहीं पर चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये सभी स्तंभों की जरूरत आज ये बेचारों को, गरीबों को है। और यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी 15 तारीख को जो बुलडोजर आएगा, सभी लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ आप लोग घर के अंदर रहो, और वहां पर बुलडोजर के सामने अगर आने की बारी अगर किसी की आएगी, मैं मेरे साथी और डोबी नगर संघर्ष समिति के जितने भी साथी है, जितने भी सीनियर लीडर जो खुद को नेता कहलवाते हैं, जो लोग जो इतने सालों से उन्होंने अगर समझ लो किसी भी प्रकार से तारा के प्रश्न बोला, कोई भी प्रश्न आचार्य के माध्यम से उन्होंने जो नुमाइंदे हमने चुन के दिए उन्होंने आज तक वहां पर जो उठाया नहीं, तो नुमाइंदों से भी मैं गुजारिश करूंगा आप भी आओ, क्योंकि ये लोगों ने आपको भी वोट देकर कहीं ना कहीं पर इनको चुनकर आकर दिया हुआ है। आज जितने भी नगर से हो वहां पर कांग्रेस पार्टी के हो गया, किसी भी पार्टी के होंगे, वो लोग भी वहां पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। सबसे पहले गुना उन लोगों के ऊपर मैं दाखिल हूंगा और हमारे ऊपर मैं दाखिल हूंगा। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से वहां पर अगर समझ लो नल की लाइन वहां पर दे रहे, नागपुर महानगर पालिका को अगर ये लोग जो है करोड़ों रुपए का टैक्स अगर आज तक दिया हुआ है, तो आप नागपुर महानगर पालिका ने अभी तक क्या है, मैंने कहने के लिए तो गलत शब्द भी मुझसे निकल सकते हैं लेकिन वो मैं निकालूंगा नहीं, तो नागपुर महानगर पालिका आज तक सोई हुई थी एसआरए के माध्यम से। आपने सरकार जो है इसके पहले अगर समझ लो विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे हमारे विकास ठाकरे, उन्होंने टुकड़ोजी नगर कामगार नगर 12,000 मकान वहां पर बचाए हुए थे, वहां पर राज्य सरकार ने खुद ने सुप्रीम कोर्ट को जो है चैलेंज किया था कोर्ट में और कहीं ना कहीं पर स्टे ऑर्डर लाया हुआ था। तो अभी की जो सरकार बैठी हुई सरकार जो है, ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये लोगों ने टैक्स भरा हुआ है तो ये लोगों के राशियानों को ये लोग बचा नहीं सकते। ये लोगों को जो है खुद राज्य सरकार जो है, खुद राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ में लड़ाई लड़ नहीं सकती क्या? लेकिन खैर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार शान बैठी हुई है, मलाई खा रही है, राज्य सरकार लड़ाई लड़े ना लड़े, लेकिन हम लोग जो है ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आखिरी मरते दम तक इनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे।